अनुजा भारद्वाज, टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए जनरल स्टडीज, जिसे हम जीएस कहते हैं यूपीएससी में, उसका पूरा सिलेबस हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट जीके सब कुछ आएगा। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम देखते हैं ज्योग्राफी, तो काफी सारे इसके सेक्शंस होते हैं जिनको हम पार्ट्स में करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले होता है कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी। तो आसान तरीका तो वो रहता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई क्या है, कैसे हमारा अर्थ कैसे बनी है, फिर अर्थ के बनने के बाद में किस तरीके से प्लेट्स बनी है, कैसे पहाड़ बने, नदी बनी, माउंटेन्स और रिवर्स, और आपके इसके बाद में प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब कैसे बने हैं। फिर उसके बाद हम भारत की संरचना पे आए, फिर हम भारत को स्टडी करें डिटेल में। परंतु ये देखा गया है कि बच्चों को भारत आसान रहता है, क्योंकि भारत हमारा देश है भाई, हमें सब कुछ मालूम है कि कहाँ पे हमारे हिमालय हैं, कहाँ पे हमारी नदियां हैं, गंगा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, तो थोड़ा सा आसान होता है। तो हम शुरू करेंगे इंडिया से। इंडिया को शुरू करते में जैसे जैसे हम पार्ट्स को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम साथ में इंट्रोडक्शन देते चलेंगे। बाद में डिटेल लेक्चर हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के चलेंगे। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अब ज्योग्राफी पढ़ने में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए मैप पे, क्योंकि सिंपल आप ये थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री को भी आजकल तो मैप से पढ़ाया जाता है कि भाई मैप में अगर हम स्पॉट्स देखते हैं तो काफी चीजें याद होने लगती हैं, बट फिर भी आप हिस्ट्री थ्योरी के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टोरी लाइन अगर दिमाग में बैठ जाए तो याद हो जाती है। बट ज्योग्राफी मैप बेस्ड है। जितना मैप को टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि भाई अनुजा मैम, आप पहले तो हमें इंडिया करा दीजिए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट बता देना और बड़े वाले, क्योंकि कॉन्सेप्ट चीजों को समझने में हमें ज्योग्राफी टफ लगने लगती है, तो हमारा इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम इंडिया पहले लेंगे। कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी में। तो सबसे पहला आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक्स से भी पहले हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना हुई कैसे, ठीक है। तो पृथ्वी की संरचना यानी जो बिग बैंग थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, नेब्यूला थ्योरी वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीडीएस एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ग्रुप्स हैं एक्स वाई नेवी, उनमें सोलर सिस्टम पे ही बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा माननीय थ्योरी कौन सी है पृथ्वी की संरचना की, तो हर बच्चा बता देता है बिग बैंग थ्योरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिग बैंग के बाद पृथ्वी बन गई। पृथ्वी बनने के बाद हुआ क्या था, प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम करते हैं तो हमें पता है पृथ्वी पर पहले तो एक था पेंजिया जो लैंडमास था, बाकी सब पानी था, पैंथला सा। अब ये जो पेंजिया था पहले, इसके भी दो टुकड़े हुए, जैसा होता है ना दूध में मलाई पड़ी होती है, अब आप दूध के भगोने को हिलाएंगे तो क्या होता है, मलाई के आपके ब्रेक्स होने शुरू हो जाएंगे और वो पार्ट्स में तैरने लगेगी। तो उसी तरीके से हमारा जो एक लैंडमास था, एक भूमि का टुकड़ा था, उसके टुकड़े शुरू हुए। पहले दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला पार्ट लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना। धीरे धीरे इन टुकड़ों के भी और टुकड़े हो गए, नीचे वाले पार्ट के भी और टुकड़े हो गए, और ये लोग मूव करते रह रहे हैं। तो जो मूवमेंट है उसकी जो स्टडी है, उस मूवमेंट की स्टडी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। हिंदी में बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत में प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेवन मेजर प्लेट्स हैं, बहुत सारी स्मॉल प्लेट है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे कॉन्टिनेंट पड़े। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि भाई उत्तरी अमेरिका किस लैंडमास का पार्ट है, तो हमने बताया अभी ऊपर वाला पार्ट है लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट बन गया गोंडवाना। तो उत्तरी अमेरिका किससे बना होगा, लॉरेशिया से। यूरोप किससे बना, लॉरेशिया से। इंडिया में दो प्लेटों से इंडिया बना है, तो वो आगे आता है कि भाई भारत की संरचना जो हुआ, हिमालय बने हैं, वो कौन सी दो प्लेटों के टकराने से बने हैं। तो ऊपर वाली प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, नीचे वाली प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों पास आई, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हो गई, हिमालय की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। फिर हम ओशियंस जानेंगे, कितने ओशियंस फॉर्मेशन हुई हमारे यहाँ, जो पांच ओशियंस है उनका जनरल इंट्रोडक्शन। ओशियंस में जैसे हमारे जो भी मेन मेन ओशियंस की वो है संधिया वगैरह है, कहाँ पे क्या चीज है, वो सब जल संधियों के बारे में हम यही कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थ का इंटीरियर। अब हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ऊपर की तो आपने प्लेट बता दी, अब अंदर बताओ भाई, तो अंदर में क्या रहता है। तो हमारे जो है क्रस्ट, मेंटल कोर, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये ऐसा है जैसे केक हमको बाहर से तो सुंदर दिख रहा है, अब हमें केक के अंदर का देखना है। तो केक का एक पीस काटा, उसको निकाला, तो हमें पता चल रहा है कितनी लेयर है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद रॉक्स की संरचना, पृथ्वी के अंदर भी चट्टान है, ऊपर भी चट्टान है, कैसे बन रही हैं। तीन तरह की चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित रूपांतरित एक ही चीज होती है।
तो अब बात हो रही है कैसे बन रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अर्थक्वेक कि भाई ये जो प्लेट्स हैं ये भी मूव कर रही हैं। कई बार अंदर जो मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप की तरंगे होती है पी वेव, एस वेव, एल वेव। हमें जो भूकंप महसूस होता है वो कौन सी तरंगों से होता है, एल वेव से होता है। इनके फीचर क्या है, कौन सा सॉलिड लिक्विड गैस में से जा सकती है, कोई सिर्फ सॉलिड में से जा सकती है, कोई सिर्फ सॉलिड लिक्विड। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में कि अर्थक्वेक मापी। सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं हर चीज टफ आएगी। आसान सा क्वेश्चन कि भाई भूकंप को नापने का यंत्र कौन सा है, कौन से स्केल पे नापी जाती है, रिक्टर स्केल पे नापी जाती है। ठीक है, जो भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। उसके नीचे जो अर्थ का अंदर में इंटीरियर में कौन सा पॉइंट होता है जहां से भूकंप शुरू हो रही है तरंगे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो बहुत साधारण क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है वोल्केनो। अब जब भूकंप आ रहा है तो भूकंप की वजह से या कभी भी प्लेट की वजह से, प्लेट मूवमेंट की वजह से कई बार दरारें या छेद हो जाते हैं पृथ्वी में और वहां से हमारा गर्म लावा निकलने लगता है, क्योंकि गर्म चीज की टेंडेंसी होती है ऊपर आना। तो जैसे ही पृथ्वी में कोई भी दरार या छिद्र दिखेगा वहां से हमारा लावा ऊपर आएगा। तो हम उसे किस रूप में देखेंगे, ज्वालामुखी के रूप में देखेंगे। तो हम ज्वालामुखी के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के भी अपने सब टाइप्स है। तो आपका एनडीए सीडीएस में तो डिटेल वो चीज भी आ जाती है। एक्स वाई नेवी जो होते हैं आपका, वाई नेवी में, एक्स में तो खैर आता नहीं है जीके, वाई नेवी वगैरह में क्या रहता है कि उसमें सिर्फ ज्वालामुखी का कोई पूछ लिया कि भाई ये ज्वालामुखी कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आसान है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है भाई, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और वो आपका कौन सा है, बैरन आइलैंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल भी आ जाते हैं, बिल्कुल साधारण सा, एक बार अगर पढ़ा है तो ऑप्शन देख के 100% बच्चा करके आता है। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी के पहाड़ों की संरचना कैसे हुई, नदियों की संरचना कैसे हुई, लेक कैसे बनती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ऑक्सबो लेक। ठीक है, अब ऑक्सबो लेक है वो कैसे बन रही है, तो उसका एक सिंपल सा है भाई, नदी है, नदी आपका जैसे यूं नदी इस तरह से चलती है। तो कई बार क्या होता है, ये जो पार्ट है ये आपका मान लीजिए नदी का एक पार्ट यहाँ पे कट के रह गया और नदी ने अपना रूप बदल लिया और वो रूट ऐसे जाने लग गया। कभी नदी हो सकता है यहां से बहती होगी, लेकिन आज नदी ने अपना रूप जो रूट है वो चेंज कर लिया। तो ये जो कटा हुआ भाग रह गया ये तो भाई मीठे पानी से ही भरा हुआ पार्ट है, क्योंकि नदी में हमेशा मीठा पानी होता है। तो ये जो लेक बनेगी उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा भाई प्रेशर, विंड्स, लोकल विंड्स। ये क्या है भाई, हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्रेशर और विंड्स होते हैं, यानी कि प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायु दाब पेटी। तो वायु दाब पेटियां कितने तरीके की बन रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कहाँ है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपका जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा के ऊपर निम्न वायु दाब पेटी पड़ती है। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है तो टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि भाई प्रेशर में इक्वेटर पे हमेशा कैसी है, निम्न वायु दाब पेटी, उसको क्या बोलते हैं हम, डोल्ड्रम कहते हैं। तो ऐसे कुछ नाम है, डोल्ड्रम हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, या हमारी जो पोल्स के ऊपर बनती है हाई प्रेशर बेल्ट, उसको हम पढ़ेंगे कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो हम प्रेशर्स के बारे में स्टडी करेंगे। विंड्स, अब हमेशा हमें पता है कि वायु की एक हमेशा स्थिति रहती है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेगी। तो हमारी कौन सी विंड्स हैं जो चल रही है, यानी विंड्स को हमने दो कैटेगरी में बनाया है, एक है परमानेंट विंड, दूसरी है हमारी लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं, जैसे मैं बोलूं कि भाई हमारी वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज यानी ट्रेड विंड्स, और जो हमारे वेस्टर्लीज होते हैं या हमारी पोलर विंड्स होती हैं, ये तो परमानेंट है, यानी जब तक पृथ्वी है घूम रही है तब तक ये विंड्स बनती रहेंगी, यानी ये तो कभी अपना रूप बदलती नहीं है, ये हमेशा चल रही है, तो परमानेंट विंड हो गई, स्थायी पवन है। अब कुछ होती है स्थानीय पवन है, यानी लोकल विंड्स, जो कि किसी भी कॉन्टिनेंट या देश का मौसम परिवर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आपसे किसी भी देश की स्थानीय पवन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आसान सा एग्जाम है तो इंडिया का ही पूछ लिया कि भाई भारत और पाकिस्तान में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी स्थानीय पवन चलती है, हर बच्चे को पता है लू। तो लू हमारी क्या हो गई, स्थानीय पवन है। इस तरह से आपका हरमट्टन, चिनूक, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर हमारा आता है एटमोस्फेयर। अब हम बोल रहे हैं कि भाई मैडम आपने बहुत कुछ बता दिया पृथ्वी के बारे में, अंदर भी ले गए, अब आप हमको तो ऊपर ले जाओ, हमें तो आसमान में उड़ना है। वैसे भी अगर आप अपना एग्जाम पास करेंगे
तो बहुत आराम से कई बार आसमान में ही उड़ेंगे, ठीक है, आराम से फ्लाइट्स वगैरह सब अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका रहता है कि भाई एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर की क्या है, लेयर्स है। एटमोसफेयर ऐसा नहीं वायुमंडल एक ही लेयर में फैला हुआ है, बहुत सारी लेयर हैं। जैसे हम सीधे नीचे से चलेंगे तो सबसे नीचे आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, फिर आपका मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल, फिर उसके ऊपर होता है एग्जोस्फेयर यानी बाह्य मंडल। तो टोटल कितनी लेयर हो गई, 5 लेयर हो गई। तो हम उन चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कितने से कितने किलोमीटर तक है, उस लेयर में क्या फीचर है, ठीक है। जैसे आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ये पूछ लिया कि आपके ओजोन की परत किस में है, ठीक है। तो ओजोन की जो मेन डेंसिटी है वो आपकी किस में आती है, वो वेरी करती है आपकी जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर से लेके मीजोस्फेयर तक ओजोन गैस रहती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर में उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो हम उस पर आंसर लगाते हैं। आपसे पूछ लिया सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित की जाती है, तो सैटेलाइट ऐसी जगह से जहां से कि आपका रेडियो वेव्स वापस आए, तो वापस कहां से आती है, आयन मंडल से, क्योंकि वहां पे आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल है जो कि वेव्स को ट्रांसमिट कर देते, तो हम सैटेलाइट वहीं पर रखते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका जो फॉग होता है या आपके बादल हैं, धूलकण हैं, ये सब मौसमी घटनाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे सबसे नीचे की लेयर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हमारी मौसमी परिवर्तन और जो भी घटनाएं होती हैं उसमें होती है, धूल वगैरह ये सब। तो वो हम पढ़ेंगे, गैसेस का कंपोजिशन कितना है, कौन सी गैस हमारे एटमोसफेयर में है, लाइट गैसेस कौन सी है, क्या परसेंटेज है, वो चीजें हम इसमें करेंगे। क्लाउड्स, बादल, बादल भी ऐसा नहीं है कि एक ही बादल है, एनडीए सीडीएस में तो डिटेल में बादलों का भी टाइप पूछ लेते हैं, ठीक है। कपासीय बादल जो हमारे होते हैं, क्यूमुलस और स्ट्रेटोनिम्बस, इस तरह से बहुत सारे क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं, उनकी भी अपनी फीचर है। कोई गोभी की आकृति बना रहा है, कोई बिल्कुल साफ होता है, कोई ग्रे कलर का होता है, उनके क्या फीचर है, किस हाइट पे पाए जाते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेन्स, रेन्स भी हमारी 3 तरह की होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होती है जो आपका सिंपली वायु दाब के आधारित होती है, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब पे आई और वहां पे कंडेंसेशन, बादल बने, कंडेंसेशन हुआ और उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो गया, यानी कि आपका बारिश हो गई। एक होता है पहाड़ से टकरा के होंगी तो वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी, जिसको हिंदी में पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। तो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, इस तरह से वर्षा के भी टाइप होते हैं। एक होती है हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, 3 टाइप होते हैं। आगे देखते हैं ओशन वेव्स। अब क्या होता है, जब हमने बात करी थी ना ये वाली कि हमारे प्रेशर विंड्स का, ये वाला तो प्रेशर विंड्स से रिलेटेड है हमारी ओशन वेव्स। जब हमारे प्रेशर विंड्स का मूवमेंट होता है तो जब ओशन के ऊपर विंड्स चलती हैं तो ओशन में भी आपका धाराएं चलने लगती हैं, तो उन धाराओं को क्या कहते हैं, ओशनिक वेव्स। ये भी मौसम परिवर्तन में रिस्पॉन्सिबल है, कहीं कहीं आपका मौसम परिवर्तन हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंडिया से भी रिलेटेड है भाई। इंडिया में जो हमारा ये होता है आपका कई बार ओशन विंड्स जो हमारी पैसिफिक से इंडियन ओशन की तरफ आती हैं, तो वहां पे कुछ विंड्स है परमानेंट विंड्स, वो चेंज होती हैं, तो ओशन के टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, तो हमारा जो मॉनसून होता है वो लेट आता है। तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट को उसको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये आपका ELSO बोलते हैं पूरा नाम, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि एल नीनो जो विंड्स होती है वो ला नीना एल नीनो चेंज होती रहती है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे सॉइल, जनरल कॉम्पोजिशन की सॉइल कितने टाइप की होती है भारत में, आपका कहाँ कहाँ, वैसे हमारे वर्ल्ड का सॉइल पढ़ने का कोई वो नहीं है, वो हमारे से पूछा नहीं जाता है, इंडिया की सॉइल पूछते हैं। बट पहले हम सॉइल को समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंडिया में कौन सी मिट्टी कहाँ मिल रही है, वो कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हम वहां डिस्कस करेंगे इंडिया में। अब देखें इरोजन, मिट्टी में अपरदन भी होता है, कितने तरह के अपरदन होते हैं, कैसे हो सकता है मिट्टी में अपरदन आपका, या कैसे भी जो है वो विंड के एक्शन से भी होता है, पानी के एक्शन से भी होता है। तो दोनों चीजें पढ़ेंगे, अपरदन के प्रकार और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर आता है आपका वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि वेजिटेशन टाइप्स, तो बहुत सारे वेजिटेशन टाइप हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, फिर आपके आपके क्या जाते हैं जैसे कि पतझड़ी वन, जिनको आप क्या बोलते हैं, डेसीडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, और भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि इनके भी सब टाइप हैं आपके, मॉइस्ट डेसीडुअस, ड्राई डेसीडुअस जिसे आप बोलते हैं शुष्क पतझड़ी और आर्द्र पतझड़ी, इस तरह से आपके डेजर्ट फॉरेस्ट जो कि आप क्या कहते हैं इनको, मरुस्थलीय वन भी कह देते हैं या शुष्क वन भी कह देते हैं। इसके बाद मार्शी फॉरेस्ट जिसको आप दलदलीय वन या आपका लैगून वनस्पति भी कई बार बोल दिया जाता है, जैसे कि आपके सुंदरी वन है, डेल्टाइक वनस्पति भी बोल देते हैं। इसके बाद आपका क्या जाते हैं, जैसे आपके और भी कुछ इसमें टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका पतझड़ी हो गया, ये हो गए आपके, तो इस तरह से आपके जो भी टाइप्स होंगे वो हम देखेंगे।
तो ये वनस्पति के प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसे एक टाइप होता है आपका क्या, पर्वतीय वर्ष वन, तो पर्वत में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वन का टाइप ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। और सबसे टॉप पे कौन से होते हैं आपके, आपके टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा होता है जिसमें लाइकेंस मॉसेस आते हैं, यानी वनस्पति बहुत ही छोटे से आपके कुछ ये होते हैं लाइकेंस और मॉसेस, जैसे जैसे काई वगैरह होती है ना, इस तरह की छोटी छोटी वेजिटेशन होती है, बड़े पेड़ नहीं होते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, कहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाएंगे, उनके लिए क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि भाई ठंडी जगह है तो क्या मिलेगा, रेगिस्तान है तो क्या मिलेगा, बारिश ज्यादा है तो क्या मिलेगा, बारिश मध्यम है तो क्या मिलेगा। तो वो वनस्पति के प्रकार को यानी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो यदि आप इंडिया भूल भी गए और अगर आपके इंडिया का क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल कि आप बताइए कि वेस्टर्न बैंक पे, यानी कि इंडिया का जो आपका ये है आपका वेस्ट साइड है, या पूछ लिया तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, तो आपको पता है भाई तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तटीय क्षेत्र है तो बारिश ज्यादा होगी, गर्मी भी ज्यादा है, तो कौन से वन होंगे, सदाबहार वन होंगे। तो इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वैसे ही आप, अगर आपसे पूछ रहे राजस्थान में कौन से वन मिलेंगे तो आपको पता है कि भाई शुष्क वन मिलेंगे, यानी डेजर्ट फॉरेस्ट मिलेंगे। आपसे पूछ लिया कि गंगा के डेल्टा में कौन से वन मिलेंगे तो आपको पता है डेल्टा एक वनस्पति मिलेगी, सुंदरी वन मिलते हैं वहां पे। तो ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ज्योग्राफी को आराम से कर पाएंगे। आगे देखते हैं सोलर सिस्टम, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे हम अर्थ की संरचना करते हैं तो बीच में पहले ही हम सोलर सिस्टम करेंगे। सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, वाई नेवी का हो, सब में आएगा। डिफिकल्टी लेवल डिफर हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्टिनेंट, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो हम थोड़ी बहुत देखेंगे। इसके बाद आपका, इसके बाद आएगा जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो भी हम आपका होता है ना कि हम समय कैसे निर्धारित करते हैं कि किस देश में कौन सा समय होगा, आज भारत में कुछ समय है, अमेरिका में कोई समय है, इंग्लैंड में कोई समय है, तो उसके लिए आपका रहता है जीएमटी। एक रहता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, जीरो डिग्री हमने करा लॉन्गिट्यूड को जीएमटी, और उसके ऑपोजिट में गए 180 डिग्री पे होता है डेट, क्योंकि 180 डिग्री जैसे क्रॉस करेंगे तो एक दिन आगे पीछे का हो जाता है, आधी पृथ्वी एक दिन आगे चल रही है, आधी पृथ्वी एक दिन पीछे चल रही है, तो वो पढ़ेंगे हम। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, ओशन, पूरे विश्व के, यानी विश्व में कहाँ कौन सा फॉरेस्ट है, कौन से माउंटेन्स है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये पूछा जाता है जैसे आपसे कोई भी शहर भी पूछ लेते हैं कि ये नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जैसे लंदन है आपका थेम्स नदी के किनारे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं सी की, भाई जो भी आपके सी है, जैसे भूमध्य सागर हो गया, तो इनमें से कुछ सी ऐसे हैं जो कि सी नहीं है, एक्चुअली में नाम है लेकिन वो लेक है, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। एक आपका रहता है भाई कोपन समिट, यानी कि कोपन समिट क्या है आपका, ये कोपन समिट नहीं सॉरी, ये है आपका जिसमें आपका क्या रहेगा, ये एक सेकेंड, कोपन डिवीजन, कोपन डिवीजन ऑफ क्लाइमेट में क्या है आपका कि जो आपके कोपन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लाइमेट को डिवाइड किया कुछ कैटेगरी में, तो AWS इस तरह के कुछ कैटेगरी, एक पूरा चार्ट है वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर उस पर क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में तो जनरली आता ही है एक क्वेश्चन, तो फिक्स है। यहाँ देखें इंडिया की चीजें देख लेते हैं। इंडिया में हम लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भारत है, भारत कहाँ से क्या विस्तार है, भारत के पड़ोसी देश कौन है, लेंथ क्या है भारत की, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर भारत में क्या क्या है, माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, रिवर्स, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे भारत का क्लाइमेट कि भारत में मानसूनी क्लाइमेट है, तो मानसून कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे शुरू होके कहाँ तक एंड होगा मॉनसून, फिर उसके बाद लौटता हुआ मॉनसून यानी कि रिट्रीटिंग मॉनसून, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सॉइल हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि सॉइल कितने प्रकार की होती है, भारत में कहाँ कौन सी सॉइल मिल रही है, जैसे गुजरात में मेनली कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल मिलती है। तो कई बार आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में सीडीएस एनडीए में एक पैटर्न आया था बीच में कि छोटा सा मैप दे देते हैं और उसमें एक सॉइल का टाइप हाईलाइट करके और फिर बोलते हैं ये कौन सा सॉइल टाइप है इस क्षेत्र में, तो गुजरात में हाईलाइट किया है, महाराष्ट्र में, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ब्लैक सॉइल वो लोग हाईलाइट कर देते हैं। या अगर आपको यूपी में हाईलाइट किया है पंजाब में, तो कौन सी सॉइल होगी, एल्यूवियल, जलोढ़ मिट्टी होगी। तो इस तरह से काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, अगर पता हो एक बार भी पढ़ा है तो आप डेफिनेटली करके आएंगे। नेक्स्ट देखें, इसके बाद वेजिटेशन पढ़ेंगे। वेजिटेशन हम पहले ही कॉन्सेप्ट में समझ चुके होते हैं तो हमें यहाँ पे आसानी हो जाती है, या हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं कि भारत में कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जा रही है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, मेन ज्योग्राफी खत्म हो गई है, अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जिनको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं, और एनसीईआरटी की बात करूं तो वो इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक है, जैसे ट्रांसपोर्ट, आपका लैंड ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज, मेन नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नेशनल हाईवे का नंबर पूछ लेंगे ये कहाँ पे है,
या फिर आपका कोई हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कुछ भी इस तरह का, कोई जीटी रोड वगैरह या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सी चार सिटीज को जोड़ता है, इस तरह का सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद वाटरवेज, वाटरवेज में आपसे जनरली बंदरगाह का पूछ लेते हैं कि ये बंदरगाह कहाँ है। जैसे कि अभी मैं करंट का क्वेश्चन भी पूछ लूँ तो अगर ये हो जाएगा कि ये ज्योग्राफी का एक करंट का है, दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन रखा कि कोलकाता जो है पोर्ट है उसका नाम क्या रख रहे हैं, तो उसका नाम क्या रख रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद बात करें हम रेलवेज, रेलवेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एयरवेज भी पढ़ेंगे, मेन मेन जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो। जैसे अगर करंट का मैं क्वेश्चन पूछूं तो बताएं 2019 में आपका कौन सा था जो एयरपोर्ट आपका बना है नया, तो वो सिक्किम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, पैक्योंग में बना है, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि वो सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि टूरिस्ट बहुत डेवलप होगा उस चीज से। आगे देखें ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट इन कंसर्न ऑफ इंडिया, यानी ये भारत से रिलेटेड और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो काम में आ रहे हैं। जैसे आईटीसीजेड की बात करूं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन्स इतने सारे आ रहे हैं भाई, तो आप उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, या आपका जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रिलेटेड बातें जो भी रह गई होंगी उनको हम यहाँ पे निकाल के कर लेंगे। इसके बाद ह्यूमन ट्राइब्स, इसको हम लोग वैसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है ये एंथ्रोपोलॉजी इसको बोलते हैं ह्यूमन स्टडी को, तो उसमें हमने ये बोल दिया कि भाई क्या है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि भाई ह्यूमन ट्राइब्स, जैसे कि अगर बोल दिया कि मंगोलॉइड जो है वो आपके ये जो है कहाँ से है बिलोंग करते हैं, या अगर मैंने पूछ लिया कि ये उड़ीसा की कोई ट्राइब ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि मुंडा ट्राइब्स जो है वो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए सीडीएस में, ये मुंडा ट्राइब्स कहाँ से बिलोंगिंग है, यानी कि उनका बेसिक कहाँ से था, रूट्स कहाँ से थे, तो ये ऑस्ट्रेलॉइड जाती है। तो जब हम प्लेट विवर्तन की अगर समझ लेते हैं, और अगर हमने ये छोड़ भी दिया टॉपिक, अगर प्लेट टेक्टोनिक्स पता है तो हमें मालूम है ये प्लेट कहाँ से आके इंडिया में जुड़ी है, तो वो रूट्स अगर पता है तो भी आप बता सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो यही मेरा वे रहेगा पढ़ाने का, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और भी कोई टॉपिक अगर इसमें छूट गया होगा तो जब हम लेक्चर कवर करते हैं तो वो आपको विद टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक का इंडिविजुअल लेक्चर मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।